चलिए अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, आज हम लोग अपना तीसरा यूनिट जो है ना वो मेटाबॉलिक वाला डिसऑर्डर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है डायबिटीज़ है, उसके अलावा हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म है, और एक और शायद डिजीज है कुछ उसकी मैलिग्नेंसी है शायद, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। पहला है दैट इज डायबिटीज़। तो बताया कि डायबिटीज़ क्या है? एनीबॉडी? ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कितनी टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स होती है। कौन कौन से? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा ठीक है, फर्क क्या है दोनों? आरफा, आरफा तैयब, आरफा तैयब, हेलो, नहीं है यानी कि अटेंडेंस ना लगा दिया। अरूज, अरूज, अरूज फातिमा, यानी कि इसकी अटेंडेंस भी ना लगाई गई, दो हो गए। आसमा रफाकत, सर टू टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। ये कौन है? टाइप 1 सर, अरूज फातिमा। बेटा पहले क्यों नहीं बोला? सर मैं बोल रही थी, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, चलो बताओ टाइप 1 और टाइप 2 क्या फर्क है दोनों में? सर टाइप 1 जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, ज्यादातर ये चिल्ड्रन में होती है, जो टाइप 2 मतलब पहले की एज में होती है। तो टाइप 2 है ये 90% पेशेंट्स में होती है और एडल्ट्स में है ज्यादा, बस यही फर्क है। आसमा रफाकत, यस सर, क्या फर्क है टाइप 1 और टाइप 2 में? सर जो टाइप 1 डायबिटीज होती है इसमें जो इंसुलिन होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती बॉडी में, और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन जो हम एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं ना वो कोई भी उस पे रिस्पांस नहीं करती बॉडी। चलो आगे पढ़ लेते हैं क्या आप ठीक कह रही हो या नहीं ठीक कह रही, ठीक है। कंटेंट जो है इसके वो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, एपिडेमियोलॉजी थोड़ी सी जो है वो देखेंगे, एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी भी साथ में डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, टेस्ट कौन से करते हैं, वजूहत क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस और फिर मैनेजमेंट। ठीक है, हो सकता है इसको हम इस टॉपिक ज़रा लंबा है तो इस टॉपिक को हम लोग दो इशू में डिवाइड कर लें, आधा आज पढ़ें आधा कल पढ़ें, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी बहुत लंबी है तो मेन जो है वो मैनेजमेंट ही है, लेकिन इससे पहले डायबिटीज़ है क्या,
ठीक है, a group of a metabolic disorder characterized by the hyperglycemia associated with the abnormal in carbohydrate fat protein metabolism, ठीक है, result in a chronic complications including microvascular, macrovascular और neuropathic disorders, ठीक है, ये diabetes की जो है ना वो क्या है, एक metabolic disorder है, ठीक है, जिसमें hyperglycemia main जो इसका symptoms है, main जो इसके clinical presentation है, clinical वो है, वो हाइपरग्लाइसीमिया है, कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो सीरम में बढ़ जाता है, बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड में, सॉरी, ठीक है। उसके साथ अब नॉर्मलिटीज क्या आती हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, उसकी अब नॉर्मलिटीज आती है, फिर जो है वो फैट प्रोटीन इन सब के मेटाबॉलिज्म की जो है ना वो अब नॉर्मलिटीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और एट द एंड अगर हम इसको ट्रीट ना करें, या ये ट्रीट ना हो, या कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में चला जाए, तो फिर माइक्रोवेस्कुलर, मैक्रोवेस्कुलर, न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर जो है वो इसे हो जाते हैं, ठीक है। टाइप वन क्या है, ऑनसेट 8 to 14 इयर्स यंग एजेस में होता है, बिल्कुल बच्चों में, रिगार्ड एज ए ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, ग्रेजुअली लॉस ऑफ ए बीटा सेल फंक्शन अंटिल नो लॉन्गर एबल टू सिंथेसाइज एडिक्वेट इंसुलिन टू कंट्रोल द ब्लड शुगर, ठीक है। टाइप वन क्या है, ठीक है, आसमा या बाकी जो जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी एज में है, एक ने आधा बताया, दूसरे ने फिर आधा बता दिया, और उस तरह कंप्लीट हो गया वैसे, ठीक है। लेकिन यंगर एज में जो है वो टाइप वन होती है बच्चों में, इसलिए कहीं इसको एक और नाम दिया है, जुविनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादातर, अगर बिल्कुल छोटे बच्चों में हो जाए, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें ये होता है कि बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करने लगती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन सी एंटीबॉडीज पैदा करती है, और वो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है, बीटा सेल जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और फिर वो इंसुलिन उतनी बना नहीं सकते जितनी वो शुगर को कंट्रोल कर सके, या बिल्कुल ही बनाना बंद कर देते हैं, ऑब्वियसली जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। टाइप टू क्या है, प्रेवलेंस इंक्रीज विद एज, इसकी जो प्रेवलेंस है, अक्रंस है, वो एज के साथ बढ़ती है, जितनी एज ज्यादा हो उतनी ज्यादा चांस है ये टाइप टू होने का। मोर कॉमन इन वुमेन डिफेक्टिव इन इंसुलिन सिक्रेशन, या तो इंसुलिन सिक्रेशन कम हो रही होती है, या टिश्यू रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन आगे इंसुलिन जो है वो काम सही तरह नहीं कर पा रही, तो ये वजह भी हो सकती है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसके इंसिडेंस ऑफ टाइप वन, लीमुल्ला अभी था, अभी फिर निकल गया बाइट, क्या कह रहे जी सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो आ रही है सर, आ रही है आवाज बेटा, लीमुल्ला आपका कोई प्रॉब्लम है, बाकी को आ रही है। Incidence of type 1 diabetes increasing worldwide for unknown reason, ठीक है, कोई reason इसकी कोई खास वजह पता नहीं है। Type 1 prevalence in North Europe is approximately 0.3%, ठीक है, in those under 30 year of age, ठीक है, approximately 50 to 60% of a patient with a type 1 will present before 20 year of age, ठीक है, type 1 की बात है। Prevalence of diabetes is ranging from 7.8 to 11 in a Pakistan, ठीक है, percent in a Pakistan, Pakistan भी काफी यानी के लोग जो है वो diabetes से हैं। Incidence of type 1 diabetes is 1.2 per 100,000, ये वो है person है मेरे ख्याल से, year में है ये, ठीक है, in a Karachi। तो ये पुरानी थोड़ी सी epidemiology है, आप recent जो studies हुई हैं उसको आप Google Scholar पे आप search कर लो, पाकिस्तान के वाले से भी, पूरी दुनिया के वाले से जो है आपको प्रेवलेंस एपिडेमियोलॉजी मिल जाएगी कि इस टाइम क्या करंट सिचुएशन क्या है डायबिटीज की जो है वो, ठीक है। तो कराची अपना पाकिस्तान की भी ओवरऑल आपको मिल जाएगी, ये जो मतलब पुरानी है मेरे ख्याल से 2-3 साल पुरानी है एपिडेमियोलॉजी इसकी जो है, ठीक है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो जो भी नई प्रेवलेंस है, नई एपिडेमियोलॉजी है इसकी। टाइप वन जो है अबाउट 10% ऑफ द केसेस, इंसिडेंस कॉमनर इन अ विंटर मंथ, ठीक है, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। टाइप टू 90% केसेस में ये होता है कि 5% केसेस आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ठीक है, मोटापन जो है वो 90% केसेस में अगर है तो उसमें 80% चांसेस हैं कि उनको डायबिटीज होने के। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अ डिसऑर्डर
बीटा सेल फंक्शन और एसेंशियल डिफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है, या तो इंसुलिन बहुत कम पैदा हो रही होगी, बन रही होगी, या फिर ये होगा कि जनाब साहब आगे से रेजिस्टेंस मिल रही होगी, इसलिए जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ बंदा चला जाता है। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में, टाइप वन क्या है, टाइप टू क्या है, प्रेवलेंस क्या है, एटियोलॉजी क्या हो सकती है। एटियोलॉजी जो है बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द रेलेवेंट इन डेवलपमेंट ऑफ अ टाइप वन डायबिटीज, बट एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द टू इज स्टिल अननोन। कहा जाता है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप इस हवाले से क्या है वो अभी तक अननोन है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट टू टाइप वन, ठीक है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप वन को इंसुलिन डिपेंडेंट किया जो कहा जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट जो है उसका एविडेंस मिल चुका हुआ है, क्लियर एसोसिएशन विद मैनी ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज, सर्कुलेटिंग आइसोलेट सेल एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में पाई जाती है, आर प्रेजेंट इन मोर देन 70% ऑफ दोज विद टाइप वन एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। जब एक बंदा टाइप वन के साथ डायग्नोज होता है, अगर आप उसका सीरम लेवल में आइसोलेट यानी के जो बीटा सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं वो अगर चेक करें तो वो प्रेजेंट होगी। तो उस चीज से ये बात साबित हो गई है, आगे स्टडीज भी हुई हैं इसके बारे में कि टाइप वन जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, मोस्टली 70% केसेस में ऑटो इम्यून डिजीज के बीटा सेल के खिलाफ ही जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसके बारे में एक स्टडी भी हो चुकी हुई है, स्टडी हैज बीन कैरिड आउट इन विच द पेशेंट विद अ न्यूली डायग्नोज टाइप वन वर ट्रीटेड विद द इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी सच एज साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, व्हेन स्टार्टेड सून आफ्टर द डायग्नोसिस दीज थेरेपी शोड अ ट्रांजिट इंप्रूवमेंट इन द क्लिनिकल मेजर। ठीक है, तो उनके पास जो पेशेंट आए जो न्यूली डायग्नोज हुए हुए थे विद टाइप वन या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के साथ, ठीक है, न्यूली डायग्नोज हुए थे, उन्होंने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है, थेरेपी ड्रग्स जो है वो स्टार्ट करवाई, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसेंट है आपको पता, वो जब स्टार्ट करवाई तो उन वो थेरेपी स्टार्ट करने के बाद उनके क्लिनिकल मेजर जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया, उनका ग्लाइसेमिक लेवल जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जनाब साहब चूंकि वो टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस थे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस थे, इंसुलिन बन नहीं रही थी, और इंसुलिन ना बनने की वजह क्या थी कि जनाब साहब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो रहे थे, और बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने की वजह क्या थी कि इम्यून सिस्टम ने बीटा सेल को एज ए फॉरन बॉडी जो है वो कंसिडर कर लिया था और उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी, ठीक है, या इम्यून सिस्टम आप दूसरे लफ्जों में कह देते हो कि एक्टिव हो गया था अगेंस्ट द बीटा सेल आइसोलेट ऑफ बंद हो गई और उन्होंने दोबारा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर तो इसी ये बात साबित हो गई कि जनाब साहब क्या है कि जो टाइप वन है वो 70% केसेज में जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से ही है। स्टडी हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड the use of anti-CD3 monoclonal antibodies when newly diagnosed type 1 patient are with a short course of anti-CD3 monoclonal antibodies, smaller insulin dose are required. ये study भी हुई भी कि वो लोग जो newly diagnosed हुए थे उनमें अगर आप anti-CD3 monoclonal antibodies जो हैं यानी कि monoclonal antibodies के against अगर उसकी क्या उसे कहते हैं या दूसरे लफ्जों में कह दो कि अगर इम्यूनोसप्रेसेंट जो है उन ड्रग्स में जो है उन पेशेंट में स्टार्ट करवा दी जाए जिसको हम लोग anti-CD3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं तो फिर उनमें इंसुलिन की डोज जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू दोज जिनमें आप इम्यूनोसप्रेसेंट यूज नहीं करवाते उनमें फिर आपको हायर डोज ऑफ इंसुलिन चाहिए होती है क्योंकि वहां पर बिल्कुल इंसुलिन होती ही नहीं है और यहाँ पे जहाँ पे आपने anti-CD3 monoclonal antibodies या immunosuppressant आपने यूज करवाई होती है वहां पे कुछ बीटा सेल्स जो है वो बच जाते हैं बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो बच जाती है और बीटा सेल्स जो है वो थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दिस रिलेट टू द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द बीटा सेल फंक्शन
ठीक है, ये इस चीज को बताता है कि जनाब साहब इससे बीटा सेल की जो फंक्शंस हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, उसको इसकी प्रिवेंशन कर सकते हो। ठीक है, टाइप टू डायबिटीज आर आल्सो हैज अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसमें भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। इफ अ पेरेंट हैज अ टाइप टू, वजह एटियोलॉजी जो है पहले हमने टाइप वन की पढ़ी थी, टाइप टू की है कि वो जेनेटिक जो है वो बड़ा प्रीडिस्पोजिशन इसमें ज्यादा आपको नजर आएगी कि अगर पेरेंट में टाइप टू है तो रिस्क ऑफ ए चाइल्ड जो है इवेंचुअली डेवलप टाइप टू डायबिटीज जो है वो 5-10% कंपेयर विद द 1-2% फॉर द टाइप वन। ठीक है, टाइप वन में इतने जेनेटिकली जेनेटिक जो है वो एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जरूरी नहीं है, 1-2% चांस है कि अगर पेरेंट को हुई है तो चिल्ड्रंस में या आगे ऑफस्प्रिंग में जो है वो ये डिजीज जो है वो प्रोपेगेट हो सकती है या आगे जा सकती है, लेकिन टाइप टू में 5-10% चांसेस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 5 गुना ज्यादा चांस टाइप टू के प्रोपेगेट होने का है फ्रॉम चिल्ड्रन, फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। टाइप टू डायबिटीज अकर बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड बीटा सेल डिसफंक्शन, द लेटरल लीडिंग टू द एबिलिटी ऑफ ए पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस एनएफ इंसुलिन टू ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, दो इसमें मेन जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं या वो आती है उसमें क्या है, या आप वजूहात कह सकते हो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है और बीटा सेल डिसफंक्शन साथ में होता है। तो बीटा सेल की डिसफंक्शन जो है वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके, आगे से रेजिस्टेंस मिल रही है और पीछे से जो है वो उससे दुगनी गुना में इंसुलिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए जो है वो इंसुलिन तो बन रही है लेकिन उस हिसाब से नहीं बन रही कि वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके या ग्लूकोज को जो है वो उसकी अपटेक करवा सके सेल्स के अंदर। ठीक है, द 80% ऑफ द पीपल विद द टाइप 2 डायबिटीज आर ओबेस, वो ज्यादातर यानी कि मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम उनका बीएमआई जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा होता है। दीस हाईलाइट्स द क्लियर एसोसिएशन बिटवीन द टाइप 2 एंड ओबेसिटी विद ओबेसिटी कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये ओबेसिटी की ही वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स की वजह से ही जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादातर आती है। ठीक है, तो मोटे बंदों में चांस जो होता है 80% लोग जो होते हैं डायबिटीज के साथ टाइप 2 के साथ वो आपको मोटे ही नजर आएंगे, पतले में भी होता है लेकिन मोटों में ज्यादा चांस होता है डायबिटीज होने का टाइप 2। पैथोफिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं, एटियोलॉजी क्लियर है, एनीबॉडी कोई क्वेश्चन इस यहाँ तक? हेलो, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, हम लोग पढ़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वही है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन सीक्रेशन बाय द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, उसकी तो हम लोगों ने एटियोलॉजी में ही पढ़ ली कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि जनाब साहब ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो इसमें ज्यादा रोल प्ले करती है। 70% टाइप 1 में जो है कि एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती है अगेंस्ट द बीटा सेल, वो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेंसिलिन अपना बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय होता है तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और फर्दर ऑन हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, और अगर आप साथ में इम्यूनोसप्रेशन बिल्कुल स्टार्ट में स्टार्ट करवा दें आपको पता चल जाए कि इस बंदे को जो है वो टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस हो चुकी हुई है, आप उसको इम्यूनोसप्रेशन करवा दें खिला दें तो 70% केसेज में ये हुआ है कि इंसुलिन की जो आपने जो आउटसोर्स करनी है बाहर से जो इंसुलिन देनी है उसकी डोज कम हो जाती है क्योंकि बॉडी जो है वो थोड़ी सी उसमें बीटा सेल रिटेन हो जाती है और वो प्रोड्यूस करने पर लग पड़ते हैं इंसुलिन। वो तो पैथोफिजियोलॉजी और एटियोलॉजी दैट। अब यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस इन एडुकेट इंसुलिन सिक्रीशन बाय द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस व्हिच हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू द एलिवेटेड लेवल ऑफ ए फ्री फैटी एसिड एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन इन अ प्लाज्मा। ठीक है, ये वहां पे भी यही होता है, यहाँ पे भी यही है। ठीक है, कि फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन अ प्लाज्मा लीडिंग टू डिक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन अ मसल सेल्स। ठीक है, एलिवेटेड द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, तो ये जब इंसुलिन अपना रेजिस्टेंस बढ़ती है तो फ्री फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इनटू द मसल सेल्स या सेल्स में उसकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है। इंसुलिन का काम ही यही है कि इन्होंने ग्लूकोज को जो है वो सेल में फेंकवाना है और इवेंचुअली क्या होता है कि पीछे से ग्लूकोज जो है वो बनती जा रही है, एलिवेटेड हेपेटिक ग्लूकोज जो है वो बनती जा रही है बॉडी में, बाहर से भी आउटसोर्स होती जा रही है और फिर क्या होता है कि फैट्स की जो है वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है।
क्योंकि मसल सेल्स ने दूसरे सेल्स ने कहीं ना कहीं से तो वो लेना है ना, एनर्जी लेनी है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर प्रोटीन्स को या फिर क्या उसे कहते हैं फैट्स को जो है वो मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं एनर्जी लेने के लिए. अ रोल फॉर द एक्सेसिव ग्लूकागॉन कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, और ग्लूकागॉन का लेवल भी जो है वो रोल उसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. इंडीड टाइप 2 डायबिटीज इज आइसोलेट पैनक्रिनोपैथी है इन विच द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग अल्फा cells and the insulin secreting beta cells is lost. ठीक है, इसमें होता क्या है कि अल्फा सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस ज्यादा होने लग पड़ता है. ग्लूकागॉन क्या करते हैं कि ग्लूकागॉन का काम क्या है, हेलो यार किसका माइक ऑन, सर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है. ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है. तो दोनों रेसिप्रोकल है. डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और ग्लूकागॉन का लेवल कम हो जाता है. तो दोनों एक तरफ लेवल कम हो रहा है इंसुलिन उससे भी ग्लूकोज बढ़ रहा है, और ग्लूकोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उससे भी ग्लूकोज बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ चला जाता है. एनहेंस कॉन्सिक्वेंटली द हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जो है वो पेशेंट चला जाता है. यार ये माइक बंद कर दो जिसका भी है, प्लीज. ठीक है, ये क्लियर पिक्चर है. आप स्टमक से यानी कि आउटसोर्स कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट, मतलब और जो भी खा रहा होता है उसमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट तो हर चीज में ही है. तकरीबन दूध पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो तो उसमें कोई ना कोई क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है. ठीक है, एक तरफ इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन वो भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ डिक्रीज पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो मसल्स में ग्लूकोज की अपटेक नहीं हो रही. तीसरी तरह क्या है कि डिक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द मसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि ब्लड ग्लूकोज आपको दरमियान में नजर आ रहा है कि ब्लड ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि बीटा सेल डिसफंक्शन क्या है. बीटा सेल डिसफंक्शन पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बीटा सेल डिसफंक्शन इज द मेजर फैक्टर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम of pre-diabetic to diabetes, a singular focus on insulin resistance as be all and all. ठीक है, यही सबसे resistance ही सबसे जो है वो क्या उसे कहते हैं important है इसमें. It's gradually shifted and hopefully better treatment option that address the beta cells pathology. ठीक है, with emerge of early therapy. ठीक है, उसके बाद है insulin resistance है. Progression from the normal to abnormal glucose tolerance. Postprandial glucose level increase first, eventually first hyperglycemia develop as a suppression of hepatic gluconeogenesis fail. ठीक है, कि glucose gluconeogenesis की जो suppression है वो भी खत्म हो जाती है, वहां से नया glucose जो है वो produce हो रहा होता है, ऊपर से जो है वो बाहर से भी बंदा जो है वो glucose ले रहा होता है, तो fasting hyperglycemia भी हो जाता है. Postprandial ग्लूकोज लेवल वो भी इंक्रीज हो जाता है. ये हम आगे पढ़ेंगे कि पोस्टपैरेंटल ग्लूकोज लेवल क्या है और ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, सच एज अकर एट अ हाई कैलोरीज डाइट, स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज द ग्लूकागॉन लेवल. जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है क्या उसे कहते हैं, तो फिर क्या होता है कि ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज ग्लूकोन डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड GIP लेवल कंपनी ग्लूकोज इनटॉलरेंस. ठीक है, हाउएवर द पोस्टपैरेंटल ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड GILP जो है GLP रिस्पॉन्स इज अनरिलेटेड. तो ये सारे के सारे जो हैं अल्टीमेटली ये सारे के सारे GIP वगैरह इनका लेवल भी जो है वो बॉडी में जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, पोस्टपैरेंटल ग्लूकागॉन जो है उसका GLP आप जो है वो भी वो क्या होता है कि इसका भी रिस्पांस कम हो जाता है, और ये भी जो है वो गट से GLP जो है वो गट से ग्लूकोज को जो है वो अंदर एंटर करवाता है मेरे ख्याल से. अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ग्लूकोज का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है बॉडी में. ठीक है, रेजिस्टेंस और दूसरा बीटा सेल्स का जो फंक्शन है वो धरा का धरा रह जाता है. बीटा सेल्स ग्लूकोज को अपना इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, अगर प्रोड्यूस कर पाती है तो वही नीचे इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है. तो ये सारी की सारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी. क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ ए डायबिटीज क्या है,
ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम द यूरिन, ठीक है, ऑस्मोटिक डायलिसिस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट विद एक्स्ट्रा वाटर, उसको वाटर लॉस ज्यादा हो रहा होता है इसलिए उसको प्यास भी ज्यादा लगती है, डायबिटीज पेशेंट विद द वेट लॉस, उसका वेट भी लॉस हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो अवेलेबल नहीं है उसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो वो फिर फैट्स प्रोटीन को जो है वो यूज करती है और इस तरह जो है वो बॉडी वेट जो है वो कम होता जाता है, तो ठीक है ना, डिप्रेशन, वीएन लॉस, फजी वगैरह, उसके अलावा डायबिटीज, स्किन इन्फेक्शन, डायबिटीज न्यूरोपैथी, थर्स्ट, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सारे के सारे जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके। ये आपको सिस्टम वाइज जो है वो आपको नजर आ रहा है, सेंट्रली है वो पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है, लिथार्जी है, ऊपर है, आईज में ब्लर्ड विजन है, ब्रीथ में स्मेल ऑफ एसीटोन है, एसीटोन या कीटोन, क्योंकि जब फैट्स मेटाबोलाइज्ड हो रहे होते हैं तो वो एडवेंट क्या होता है, कीटोन बॉडी बनना शुरू हो जाती है, वो कीटोन जो है वो सांस लेने में जो है वो एसीटोन की स्मेल आ रही होती है, स्टमक वेट लॉस हो रहा होता है क्योंकि फैट और प्रोटीन जो है वो मेटाबोलाइज्ड हो रही है, रेस्पिरेटरी में जो वो है क्या उसे कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन के साथ होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, अपना यूरिनरी में चले जाएं तो पॉलीयूरिया और ग्लाइकोस यूरिया जो है, ग्लूकोज आ रही होती है यूरिन के साथ, ये सारे के सारे सिम्टम वाइज जो है उसके सिम्टम्स हैं, सिस्टम वाइज जो है वो आप उसको देख सकते हो। टेस्ट कौन कौन से करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और ओरल ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट होता है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये वो बताया हुआ है कि 5 ml ब्लड कितना भी लेना है, और ये नॉर्मल वैल्यूज हैं प्रीमेच्योर बेबी के लिए और न्यूबॉर्न बेबी के लिए, 20-60 mg/dL बेबी के लिए जो है वो 40-90 mg है, चाइल्ड लेस देन 2 ईयर्स उसके लिए 60-100 mg नॉर्मल वैल्यूज है, चाइल्ड एंड एडल्ट जो है वो रेंडम अगर आप लेते हैं तो कुछ गाइडलाइन कहती है कि 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ गाइडलाइन कहती है कि जनाब साहब 200 तक होना चाहिए, ठीक है, हर गाइडलाइन की अपनी जो है वो एक स्पेसिफिकेशन है, फास्टिंग 70-110 mg/dL जो है वो होनी चाहिए, द नॉर्मल रेंज विल नेचुरली इंक्रीज आफ्टर एज ऑफ 50, तो 50 के एज के बाद नॉर्मल रेंज जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ होता है। क्रिटिकल लेवल जो है वो क्या है कि लेस देन 30 न्यूबॉर्न के लिए है, ग्रेटर देन 300 न्यूबॉर्न के लिए जो है वो क्रिटिकल लेवल है, बेबी में लेस देन 40, एडल्ट में मतलब ग्रेटर देन 300 जो है वो बेबी में दिए जाए, एडल्ट फीमेल में लेस देन 40 क्रिटिकल है अगर नीचे वाला लेवल देखें, और ग्रेटर देन 400 mg, इसी तरह मेल में भी लेस देन 50 जो है वो क्रिटिकल है और ग्रेटर देन 400 mg जो है वो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। ब्लड टेस्ट कौन कौन से करते हैं, दैट इज द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज है, पोस्टपैरेंटल जो हमने पीछे पढ़ा था उसको हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टपैरेंटल क्या होता है, और HbA1c जो है वो हम लोग करते हैं। फास्टिंग क्या है, कहते हैं टेस्ट आर टेकन आफ्टर द पीरियड ऑफ फास्टिंग, ठीक है, कि 12 घंटे की 14 घंटे की जो है वो 12 क्या होते कहते हैं 6 आवर कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि जनाब साहब आपने अर्ली सुबह नाश्ते से पहले जो है 6 घंटे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन 6 से 8 घंटे जो है वो दिए जाते हैं कि आप अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराएं, और अगर वो 70 और 110 के दरमियान में है तो नॉर्मल है, अगर 110 से ऊपर जा रहा है 130 है तो प्री डायबिटिक हो सकता है, 130 से 140 150 160 तक जा रहा है तो प्री डायबिटिक है, 200 तक जा रहा है तो डायबिटिक है, बल्कि रैंडम में भी 200 तक जाए तो वो डायबिटिक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह रैंडम में आप दिन के किसी भी टाइम पे जो है जब आपने कुछ खाया हो आपको पता हो कि 1-2 घंटे पहले 3 घंटे पहले मैंने कुछ खाया था, ठीक है, तो आप अपना टेस्ट करवा लें, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा लेवल अगर वो 200 या 150 के दरमियान है तो ग्लूकोज लेवल ठीक है, यानी कि डायबिटीज नहीं है पेशेंट, और अगर उससे ऊपर है तो फिर डायबिटिक हो सकता है। पोस्ट पैरेंटल ग्लूकोज क्या है, दिस इज द वेरिएशन टेस्ट इज डन बाय द ये क्या है ईटिंग अमील सॉरी ये ईटिंग ईस्टिंग नहीं है ईटिंग अमील फॉर एग्जाम्पल 2 hours postprandial blood glucose sugar measure of these random good blood glucose level is considered most precise because of the estimated blood glucose variation attributed to of the eating is karte kaise hain ki ye matlab 2 ghante ka gap usme to ye hota hai ki din ke kisi bhi hisse mein random jo hai aap kar sakte hain isme hai ki 2 ghante pehle aapne kuch khaya ho to aap ja ke jo hai wo
टेस्ट करवा लें तो उसको हम लोग पोस्ट हैंडल कहते हैं, और आपको पता हो कि आपने ठीक ठाक खाया होगा दो घंटे पहले। तो रैंडम तो ये है कि आप दिन के किसी भी हिस्से में, हो सकता है 4 घंटे पहले आपने खाया, हो सकता है 6 घंटे आपने पहले, 5 घंटे पहले आपने खाया हो, तो उस टाइम पे आप खाए और उसमें जो भी उसका लेवल है उसके मुताबिक उसको डायग्नोज किया जाता है। HbA1c होता है कि आप किसी भी टाइम पे ये तो बता सकते हैं HbA1c क्या है, किसी को कोई आइडिया? Anybody? Hello? पर हीमोग्लोबिन शायद है कोई है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कुछ यानी कि ना कुछ रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या होता है कि ग्लूकोज अटैच होता है। हीमोग्लोबिन सर। ग्लूकोज उसके साथ अटैच होती है। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन अपना 5.6 यानी कि 5.5 के नीचे करो। इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो HbA1c ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है वो अटैच होगा। और ये क्या चीज कंसिडर करता है, ये आपको बताता है कि इस पेशेंट का जो है वो ब्लड ग्लूकोज पिछले 3 महीनों में कंट्रोल था या नहीं था। अगर वो 7.6 से नीचे आ रहा है तो वो तो है ही नॉर्मल, 5.7 तक आ रहा है तो वो है ही नॉर्मल। 5.7 से 6.4 तक आ रहा है तो वो फिर प्री डायबिटिक में आ जाता है, और अगर 7 से भी ऊपर जा रहा है तो फिर उसका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो फिर उसका कंट्रोल नहीं है, ये आपको बताता है कि इसे, बल्कि इस चीज का भी पता चलता है कि वो मेडिकेशन या प्रिकॉशन जो भी है उसकी वो ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। तो अगर 6.5 से 7 तक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जनाब साहब गोल जो होता है डायबिटिक पेशेंट का जो गोल है वो 6.5 से 7% तक, एक बंदा डायबिटिक है, ठीक है। इसमें ये भी पता चलता है कि ये बंदा डायबिटिक है या नहीं है, और ये भी पता चलता है कि जनाब साहब इसका जो है वो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल है या नहीं है। सपोज अगर वो 5.7 से नीचे है वो तो डायबिटिक है ही नहीं, ठीक है। 5.7 और 6.4 के दरमियान है तो प्री डायबिटिक है, और 6.5 अगर वो डायबिटिक है और 6.5 से 7 के दरमियान है तो फिर हम लोग कहते हैं कि जनाब साहब उसने अपने आप को जो है वो ग्लूकोज लेवल अपना डायबिटीज जो है अपनी डायबिटीज डिजीज को जो है वो कंट्रोल किया हुआ। अगर वो 7 से ऊपर चला जाता है, डायबिटीज और 7 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने कंट्रोल नहीं किया, वो मेडिसिन सही तरह नहीं खा रहा था या वो बदपरहेजी कर रहा था। तो ये आपको डायबिटीज का भी बताता है, डायबिटिक होने का भी बताता है, और साथ में क्या चीज बताता है कि कंट्रोल कर रहा है वो पेशेंट या नहीं कर रहा, ठीक है। यूरिन टेस्ट में, यूरिन टेस्ट किया जाता है उसमें 1 से 2 घंटे आफ्टर द मील जो है वो उसमें ग्लाइकोसो यूरिया दिया देखा जाता है, ठीक है, कि वो ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है। उसके अलावा कीटोन बॉडीज देखी जाती हैं, अगर कीटोन बॉडीज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि बाय द नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन के साथ जो है तो ये पता चल जाता है कि ग्लूकोज की कंजप्शन नहीं हो रही, फैट्स की कंजप्शन हो रही है, और इस वजह से जो है वो कीटोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं यूरिन के साथ, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन देखी जाती है, एल्बुमिन वगैरह उसमें जो दिस इज द डिटेक्टेड यूरिन एल्बुमिन मोर देन 300 mg/dL अगर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि रीनल डिजीज भी साथ है, वो डायबिटीज जो है वो क्या उसे कहते हैं यूरिनरी सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, किडनी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। उसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है, उसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 6.1 से 7.0 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है, या 110 से 126 mg है, रैंडम भी आपको पता है, ठीक है। फॉर द टेस्ट, ये टेस्ट कैसे होता है, ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट, 3 दिन तक कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो नहीं लेनी होती, ठीक है। फास्टेड ओवरनाइट, 8 घंटे की जो है अपने फास्टिंग रखनी है। रेस्ट बिफोर द टेस्ट, और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी आधा घंटा पहले, ठीक है, कोई स्मोकिंग नहीं करनी। प्लाज्मा ग्लूकोज मेजर बिफोर 2 आवर, ठीक है, एंड आफ्टर 75 mg लोडेड। क्या करते हैं कि 3 दिन तक आपने कार्बोहाइड्रेट कोई डाइट नहीं लेनी,
जिस दिन आपने टेस्ट करवाना है उसे तकरीबन 8 घंटे पहले आपने बिल्कुल यानी कि फास्टिंग रखना है, कोई चीज नहीं खानी। उसके बाद क्या है कि जब आपने टेस्ट करवाना है उसे आधा घंटा पहले कोई एक्टिविटी नहीं करनी, रेस्ट करना, सिर्फ रेस्ट करना, कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करना। फिर उसे 2 घंटे पहले आपने जो है वो टेस्ट कर लेना है, 2 घंटे पहले जो है वो यानी कि सॉरी उसके बाद क्या करना है कि 75 मिलीग्राम ग्लूकोज लोड करवा देना, यानी कि ग्लैक्सोस्टी वगैरह या ग्लूकोज बाजार से मिलता है ना, वो एक 75 मिलीग्राम लिया, एक पानी में उसको डिजोल्व किया, डिजोल्व करके बिला पिला दिया। पिलाने के 2 घंटे के बाद आपने टेस्ट करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द, ये टेस्ट जो होता है ये OGIT होता है, ग्लूकोज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इससे फिर अगर वैल्यू है क्या उसे कहते हैं 140 से नीचे आ रही है, ठीक है, या 200 से नीचे आ रही है, तो 150-160 इससे नीचे है, 200 से भी नीचे है अगर, तो फिर हम लोग कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि डायबिटिक नहीं है। अगर उससे ऊपर जा रही होती है तो फिर डायबिटिक उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे क्या उसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से सबसे ऑथेंटिक टेस्ट यही है। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाता है कि ग्लूकोज कितना टॉलरेट कर सकता है बंदा। ठीक है, यानी कि या इंसुलिन जो है वो उसकी कितनी काम कर रही है, रेजिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ डैमेजिंग इम्यून सिस्टम सेल्स वो आपको पता ही है, ऑटो इम्यून बॉडी एंटीबॉडीज अगर बॉडी में बन रही है, डाइटरी फैक्टर्स है, रेस है, जियोग्राफिकल है, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री, डिजीज ऑफ ए पैनक्रियाज है, इन्फेक्शन, इलनेस वगैरह, वेट, इनएक्टिविटी, एज वगैरह, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते, हाइपरग्लाइसीमिया है, डायबिटिक है, कीटोएसिडोसिस है, कीटोन बॉडी जो है वो मैंने बताया आपको कि फैट्स की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है, इसकी वजह से कीटोन बनना शुरू हो जाती है और वो बॉडी में इंक्रीज करते हैं तो बॉडी जो है वो कीटोएसिडोसिस की तरफ चली जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक एसिडोसिस, वो एक अलग से एक कंडीशन है। माइक्रोवेस्कुलर न्यूरो रेटिनोपैथी, माइक्रोवेस्कुलर नेफ्रोपैथी, माइक्रोवेस्कुलर न्यूरोपैथी और ये सारे के सारे जो है माइक्रोवेस्कुलर फुट अल्सर वगैरह, माइक्रोवेस्कुलर ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी डायबिटीज की। ठीक है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैनेजमेंट जो भी है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल वो इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक यहाँ तक, ये ऐसी चीज जो समझ में ना आई है? डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक हो सकता है यार, स्ट्रोक हो भी इसका कोई लिंक नहीं है, मतलब अगर वो क्या उसे कहते हैं कि आर्टरीज अगर इसकी वजह से माइक्रोवेस्कुलर यानी कि जो ब्लड आर्टरीज अगर वो डिस्टर्ब हो रही है, उनकी इलास्टिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो डेफिनेटली फिर वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है कि अगर वो पूरी तरह से इलास्टिसिटी क्या उसे कहते हैं ख़त्म हो जाती है तो फिर ये होता है कि ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है तो वो कॉगुलेट होने के चांसेस होते हैं और वो कॉगुलेट फिर अल्टीमेटली एम्बोलिज्म की तरफ चला जाए तो फिर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है इसके, लेकिन ये है कि कॉम्प्लिकेशन में शायद पॉसिबिलिटी, इतना कन्फर्म नहीं है लेकिन फिर मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से। ठीक है सर, थैंक यू। आगे